हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 11:30। तो शुभी भी नहा ली है, मैं भी नहा ली हूँ। तो आज का थोड़ा बिजी शेड्यूल है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपना ऑफिस आर्मी में। तो ये 3 महीने में एक बार आते हैं, 1 महीने के लिए। अब की बार 28 दिन के लिए आए थे तो अब जा रहे हैं वो। देखिए शुभी कैसे राधे राधे कर दिया। शुभी राधे राधे कर दिया। शुभी का स्टेक है, इससे खेल रही है। लो आप खेल लो। शुभी को तो पता ही नहीं है उसके पापा जा रहे हैं, बट उसके पापा का तो बिल्कुल मन नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरा तो अब की बार ऐसा लग रहा है जैसे कलेजा बाहर आ जाएगा। कह रहे हैं इसके बिना मन ही नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो वही है, पर जाना तो पड़ेगा, रहना भी पड़ेगा, क्या करें, जॉब ऐसी है। तो आज जाएंगे ये, मेरी नंदा आएंगी इन्हें छोड़ने। उनके लिए गिफ्ट ला रही है ना, वो कप ला रही है। कप बुक करा था उन्होंने, ऑर्डर किया था, उस पर लिखा था यू आर बेस्ट ब्रो। तो वो आएंगी लेके, और मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, हम सब उन्हें छोड़ने जाएंगे स्टेशन पे। तो आपको दिखाऊंगी सब। बस आज के दिन थोड़ा ऐसी है, हम 3 जने तो थोड़ी घबराहट सी चलती रहती है अंदर ही अंदर की, पता नहीं अजीब सा ही जाता है पूरे दिन, ना भूख लगती ना कुछ। ऐसी है, हम कह रहे थे अभी, मैंने कहा शुभी अगली बार तुम आओगे तो अगली बार शुभी तो ऐसे हो जाएगी, रोया करेगी, उल्टा हमें इसे संभालना होया करेगा कि कोई बात नहीं पापा आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे। तो अब मम्मी, हम 3 जने हैं बड़े बड़े, तो मम्मी जी हैं वो, हम मतलब एक दूसरे के सामने दिखाते नहीं, हम रोते हैं। तो मम्मी जी हैं वो अपना कमरे में रो के आ जाएंगी, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। मैं हूँ, मैं अपना बाथरूम में किचन में रो के आ जाती हूँ, कोई बात नहीं। ये है, ये अलग अलग जगह कमरों में जाके रोते हैं, हमारे सामने आके नॉर्मल दिखाते हैं। मन किसी का लगता ही नहीं है। बट हाँ, ये जब से शुभी हुई है तो थोड़ा ये 2-3 दिन प्रॉब्लम होती है, फिर इसके सारे थोड़ा टाइम पास हो जाता है, मन सा लग जाता है। बट वही है, कोई नहीं। शुभी हाय करो, हाय, राधे राधे कर दो, राधे 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 करके दिखा दो, कर दो राधे राधे, कर दो राधे राधे करो। अपने मन से करती है ये, इसका मन होता है तो करती है वरना नहीं करती। तो और बताइए, आप कमेंट में बताना आपकी दोज कैसी रही, कैसा रहा आपका सफ़र, कहाँ कहाँ भैया के यहाँ गए थे, कैसे रहा, क्या रहा, जो भी है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपका कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी, वेट भी करूँगी आपका, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं मुझसे। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, आज जो भी होगा मुझे तो पता ही नहीं क्या होगा, प्लानिंग तो कुछ है नहीं ऐसी। तो बस देखते हैं कैसे क्या मिलाती हूँ आपको। अभी गए शेविंग करवाने, आएंगे तो आपसे मिलवाऊंगी उन्हें। ये यहाँ पे मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, ये जा रहे थे, तो हर माँ का दिल हो जाता है, क्या करें, बहुत मुश्किल होता है। हम स्टेशन पहुँच गए थे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है ये, बस यहाँ से एंटर ही हुए थे। मेरी भाभी ने वीडियो बनाई थी ये, मैं भी ऐसी बस ये वीडियो एडिट करते टाइम पे भी इतना अजीब अजीब सा लग रहा है। ये पहुंच गए हम बस, ये नमन मेरा भाई जो है वो बैग वगैरह निकाल रहा था गाड़ी में से, फिर हम जाएंगे अंदर। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं स्टेशन में। कौन सा स्टेशन है नमन? मैं पुली हूँ मैडम। स्टेशन कौन सा है? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली रेलवे रेलवे स्टेशन है। मैं तो पूरे रास्ते नीचे घूम करके आई हूँ, अभी भी जी खराब हो रहा है, उल्टी जैसा जी हो रहा है मेरा बहुत। अरे ये ब्लॉग है ये तेरी, ये नहीं शुभी, शुभी देखो शुभी की आईज नहीं दिख रही। पापा को छोड़ने आए हो आप यहाँ पे? पापा को छोड़ने आए हो बेटा? तो अभी गए हैं वहाँ पे, वो टिकट फाइनल कराने गए हैं अपनी। तो चलिए मिलते हैं। हमारे चेहरे पे स्माइल है, अंदर से बुरा हाल है। सुनो अपना फेस तो दिखा दो, बाय बाय कर दो, बोल तो दो।
तो हम स्टेशन में अंदर आ गए हैं अब इनकी आई थिंक 8:45 या 8:50 के अराउंड है इनकी ट्रेन जो आएगी तो जब ये जाएंगे क्या करें तो पार्किंग में खड़ी नहीं करी थी गाड़ी तो इसलिए फिर हम नमन को वहाँ पे भेज रहे हैं जब तक ट्रेन नहीं आती भाभी और मैं इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो इसलिए नमन को भेज देते हैं वहाँ गाड़ी के पास तो हम अभी चले जाएंगे जब इनकी ट्रेन आ जाएगी तो हम चले जाएंगे देखो ये शुभी देखिए मालदा मेरे चल जाओ जा मेरे हस्बैंड रे जल्दी का भी मिल जाएगा 10 मिनट बाद शुभी यहाँ पे शुभी और मैं ये थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे थे शुभी को इन्होंने बोला लाओ मुझे गोदी में दे दो मैं इसे थोड़ी देर तो गोदी में रख लूँ तो मैंने इसलिए इन्हें दे दिया था अब यहाँ पे ट्रेन में बैठ गए हैं यहाँ पे मेरी भाभी को कह रहे थे इसे थोड़ा समझा देना बाद में कह रहे मैं जा रहा हूँ मैंने कहा थोड़ी देर अभी तो ट्रेन भी नहीं चली अभी थोड़ी देर रुक तो जाओ तो फिर ये नीचे उतर के आ गए थे यहाँ पे इनका एक फ्रेंड है साहिल तो वो मिल गए थे भैया एक तो इनके साथ ही चले गए थे ये इनके साथ ही नासिक में जाएंगे अंदर ही अंदर ऐसा घबराहट सी हो रही थी थोड़ी ट्रेन लेट हो जाए क्या हो जाए लेट भी नहीं हो सकता हम सोच सकते क्योंकि लेट हो जाएगी तो भी नहीं प्रॉब्लम है क्योंकि इनको यहाँ रूल होते हैं कि भाई टाइम से पहुँचना तो पहुँचना ही है यहाँ पे इन्होंने शुभी ले ली थी गोद में तो मैंने कहा मैं भी आ रही हूँ ये कह रहे अरे रहने दो संभाल के कभी गिर गिरा जाओ तो मैंने कहा नहीं मैं आ जाती हूँ पे बस शुभी को मैंने ले लिया अब हम यहाँ से चले जाएंगे ये मैं वापस आ गई हूँ ट्रेन की चल गई थी तो जब निकल गई थी मैं बहुत पूरे रास्ते तो मैं यहाँ पूरे रास्ते में ऐसी थोड़ा अपसेट सी होती आई थी यहाँ पे नमन ने एक सॉन्ग चला दिया था ऐसी सैड सॉन्ग तो मेरे को रोना भी आ गया था तो मैंने नमन को बोला कि नमन तुम सॉन्ग चेंज कर ले प्लीज़ ऐसे सॉन्ग मत चला तो नमन ने फिर सॉन्ग चेंज कर दिए थे तो हम भी हम वापस घर जा रहे हैं मैं रात को 10:45 घर पहुंची थी तो फिर खाना वगैरह भूख सी नहीं थी इतनी तबीयत भी ऐसी हो गई थी तो प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए लाइक करिए एंड शेयर कीजिए थैंक यू सो मच टाटा बाय बाय